हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, जिससे आप जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कितने नंबर्स होते हैं, 0 और 1, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा गया 101, ये आपका बाइनरी नंबर है, तो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो यहाँ पर बेस लगा देते हैं क्या 2, तो ये आपको सुख होगा कि ये जान देंगे कि 101 ये किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं। तो जैसा कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि 2 डिजिट होता है, इसीलिए इसका जो बेस होता है 2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स बाइनरी अर्थमेटिक्स की बात करते हैं। तो बाइनरी अर्थमेटिक्स में कौन कौन से आते हैं, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सब जो होते हैं बाइनरी ऑपरेशन में होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे बाइनरी एडिशन की बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको ज़्यादा देखिए। जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर होते हैं। अब देखिए, जैसे आप डेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं, सिंपल सा एडिशन कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर कैसे एडिशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 9 + 3 है, इसको ऐड करना है, ये डेसिमल नंबर है, आप जानते हैं 0 से 9 तक क्या होता है, डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये 9 + 3 है, 9 + 3 जब जोड़ते हैं 9 3 हासिल कितना गया 1, ठीक है, और 9 3 12 के 2 हाथ 1 मीन्स हासिल 1, तो इसको यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं 12, ठीक है। तो ये कितना 9 3 12, ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ेंगे। अभी देखिए ज़रा, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर को किस तरह से बोलते हैं, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं तो जो 0 होता है उसको बोलते हैं लो वैल्यू, और जो 1 होता है उसको बोलते हैं हाई, दैट मीन्स 0 को लो बोलेंगे और 1 को हाई बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, उसमें जो भी ऑपरेशन होता है इसी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू काम करता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू वर्क करता है, ठीक है। हाँ, बेसिक हम उसमें देते हैं, जिससे हम जो इनपुट देते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं, डेसिमल नंबर में देते हैं, जिसमें जैसे कीपैड से हम जब कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो उसमें जब हम देते हैं इनपुट जो देते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में देते हैं, ठीक है। अब जो भी उसमें डिस्प्ले होता है वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्प्ले होता है, ठीक है, लेकिन जो इसके बीच का वर्क होता है, जो इसके बीच का परफॉर्मेंस होता है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। जो हम इसको इनपुट दिए वो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिए, बट वो जो काम किया, मतलब उसको पहले चेंज किया डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर उसमें वर्क किया, जो भी काम, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दिए हो फिर वर्क किया, फिर वर्क करने के बाद जो आउटपुट देता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम से वो डेसिमल नंबर सिस्टम में वो क्या करता है, चेंज करके फिर डिस्प्ले करता है। तो ये पूरा परफॉर्मेंस, पूरा वर्किंग होती है उसमें डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है। तो इतना सारा होता है फिर, लेकिन वर्क जो करता है, मेन वर्क जो करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए, जिससे यहाँ बात करते हैं इसके रूल के, इसके रूल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 a + b करना हमको, a + b करना हमको, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर में है, ठीक है, सब बाइनरी नंबर है, जोड़ेंगे क्या आएगा c, मान लीजिए रिजल्ट आता, ठीक है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर हासिल देते हैं तो वहीं पर क्या आता है, जैसे हासिल होता है 9 + 3 जो जोड़ते हैं तो कितना आता है 12 आता है, तो 1 2 जो आया, फिर उसकी जो सम हुआ जो 2 आया, फिर हासिल कितना गया 1, तो ये आपका कैरी, दैट मीन्स कैरी 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ही होता है, ठीक है। तो 0 + 0 जो भी इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, सम 0 आएगा, कैरी कोई नहीं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 0। जब 0 + 1 किए, 0 + 1 करते हैं तो कितना आता है 1, सम कितना आता है 1, 0 + 1 करते हैं, 0 + 1 करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है इसमें 1 आता है, ठीक है, कैरी कोई नहीं, कैरी कुछ भी नहीं आता है, सम जो भी सम आएगा वही डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या जोड़ते हैं हम, 2 + 4 इतना जोड़ते हैं ना, तो 4 2 6, तो यह डायरेक्ट आता है, उसी तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए, 1 + 0 जब करते हैं तो 1 + 0 करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 आएगी, दैट मीन्स सम जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, कैरी कुछ नहीं, 0 कैरी, और ये फाइनल रिजल्ट जो होता है क्या, 1 आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, 1 + 1, ये इंपॉर्टेंट है, 1 + 1 करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 1 + 1 जब करेंगे हम, 1 + 1 करते हैं तो 1 1 यहाँ पर क्या था, 1 0 होता है, वैल्यू कितनी थी 0, 1 0, तो जो सम करेंगे कितना 0 आया,
सम जीरो आया, बट कैरी वन, ये कैरी कितना गया, कैरी वन आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम किए थे 9 + 3 तो कितना आया, 9 + 3 दैट मीन्स 12 मीन्स 2, सम 12 आया, 2 आया। अब जो कैरी आया इसमें कितना आया, 1, कैरी 1 गया, तो कैरी यहाँ पर लिखते हैं ना, फिर लास्ट में कैरी जो बचता है यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ। सम तो ये जब 9 + 3 जोड़े तो कितना आया, 12 आया, 12 का जो 2 फिर एक कैरी, तो उस ये जो 2 है कैसम है, जो कैरी गया 1 आया, फिर जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट इसके बाद अगर कोई संख्या होती उसमें जोड़ता, जब यहाँ इसके बाद कोई संख्या होती तो उसमें ये 1 जुड़ जाता, बट यहाँ पर हमको कोई संख्या नहीं है तो ये जो जो कैरी है उसको यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, जैसे 1 जोड़े तो 1 जोड़े, जब यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो कितना आता, 1 0 आता है, 1 0, तो जो सम होता वो यह 0 आ गया, लेकिन एक कैरी, जो एक कैरी कितना आया, 1, ये कैरी हो गया, ठीक है, ये 1 ये कैरी हो गया। तो कैरी जब यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो कैरी उसमें जुड़ जाती, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए कैरी लास्ट में लिख देती इतना, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है 1 0, ये फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से होता है, तो 1 1 कितना आता है, 0, सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो कितना, 1 0। तो ये आपका पूरा रूल होता है, जो एडिशन का, बाइनरी एडिशन का रूल टोटल ये होता है। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी एडिशन का, ठीक है। तो मान लीजिए इसे देखिए, ये 1011 ऐड द बाइनरी नंबर 1011, इसमें ऐड करना, इसको 1100 इसको ऐड करना, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1011 ये 2, इस ये भी बाइनरी, अगर इस तरह लिखिए, लिखा गया है ऐड, एडिशन ऐड द 1011, ये बाइनरी नंबर हो गया, एंड ये क्या हो गया, 1100, ये भी आपका बाइनरी नंबर हो गया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐड 1011, फिर उसके बाद ब्रेकेट लगा के 2 लिख दिया जाएगा, बेस, फिर एंड 1100 बेस 2, ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। 1 + 0 ये नंबर टोटल हो गया, 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 0 दैट मीन्स 1 आया, ठीक है, 1 + 0 दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितना आया, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। अब देखिए 1 + 0 दैट मीन्स 1, ठीक है, 0 + 1 कितना आया, 1 आया। अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 दैट मीन्स 1 0, ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है, ये सम हो गया और ये आपका कैरी हो गया, ठीक है, ये कैरी हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 0, बट अभी तो ये कैरी बचा है ना, कैरी बचा है, तो अगर इसके बाद कोई संख्या होती, कोई नंबर होता है यहाँ पर, तो उसमें उस कैरी को जोड़ देते, बट कोई नंबर नहीं है, इसलिए जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो 1 लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो इन दोनों बाइनरी नंबर का एडिशन क्या हो गया, 1011, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, जहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया ऐड 0101, ये बाइनरी नंबर है, एंड कितना, 1111, ठीक है, ये आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर ऐड करना है, तो 1 + 1 ये क्या हो गया, 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 आएगा, तो ये कितना हो गया, सम 0 1 0 हो गया, कैरी 1, तो कैरी यहाँ पर लिखा गया ना, कैरी ये हो गया। फिर इसको जोड़ना, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 0 + 1, तो 0 + 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर कैरी एक जोड़ेंगे, जब कैरी जोड़ देंगे, जब वैल्यू 1, इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू 1 आई, ठीक है। अब इसमें तभी तो कैरी बचा है, कैरी जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 दैट मीन्स तभी 10 आया, दैट मीन्स तभी क्या आया, 1 0 आया। अब देखिए जब ये 1 0 आया तो क्या फिर लिखेंगे, 0, तो सम तो 0 हुआ, फिर एक कैरी आया, जो कैरी यहाँ बचा था कैरी, ये हो गया। 1 + 1 जब जोड़े, 1 + 1 जोड़े तो कितना है, 1 + 1 कितना आया, 1 0 आया। अभी तो ये कैरी बचा है इसमें, तो जब कैरी इसमें जोड़ देंगे प्लस कैरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1, जब कैरी भाई कैरी जोड़े इसमें, ये कैरी है आपका, ये वाला कैरी है, तो ये क्या हुआ, 0 + 1, 0 + 1 क्या हुआ, 1 हुआ, और ये 1 तो है ही पहले से, तो क्या है वैल्यू, 1 1 1 1 जब आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, 1, और ये कैरी, ये आपका कैरी हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, ठीक है, ये सम हो गया और कैरी, तो सम कितना आया, 1 आया, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए ये वाला कैरी गया यहाँ पर, अब देखिए 0 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
वन आएगी वैल्यू, जब जीरो प्लस वन जोड़ेंगे तो वन आएगी। अभी एक कैरी इसमें बचा है तो कैरी इसमें जोड़ दिए, प्लस वन कितना आ गया, वन प्लस वन दैट मीन्स वन जीरो। अब ये आपका सम हुआ, ये क्या हुआ, सम हुआ, और ये कैरी हुआ, ठीक है। तो ये सम कितना है, जीरो। अभी कैरी बचा है, कैरी यहाँ लिख सकते थे या फिर यहाँ। अब देखिए अगर कोई संख्या यहाँ पर होती, कोई नंबर होता है यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं हम इसको, वन उसमें जोड़ते, उस जो नंबर होता है उसमें ये वाला कैरी जोड़ देते, बट कोई नंबर नहीं है इसलिए कैरी यहाँ पर लिख देंगे। जो टोटल रिजल्ट हुआ, टोटल फाइनल रिजल्ट हुआ वो 10100, मतलब क्या हुआ, 1010 एंड 1111, इन दोनों का एडिशन का फाइनल जो रिजल्ट हुआ 10100, ये आपका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जीरो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए 01101011, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको फोर नंबर, ठीक है, 00001000, फिर 10000001, और लास्ट में क्या, सब वन है, मीन्स 11111111, ये आपको टोटल नंबर सबको ऐड करना, ठीक है। देखिए कैसे ऐड करते हैं, रूल वही है, रूल्स आपका यही है, टोटल रूल यही है, ठीक है। देखिए ज़रा, तो जैसे देखिए 11 क्या करते हैं, जब 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 क्या आता है, 1+1 करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, लास्ट में कैरी आता है, लेकिन जो फाइनल जो वैल्यू आती है वो 10 आती है। देखिए अब ये कैरी है, तो कैरी यहाँ पर क्या आ गया, कैरी कितना आया, 1, ये कैरी 1 आया, ठीक है, और जो रिजल्ट आया ये आपका 0 आया, ठीक है। अब देखिए पहले इसको जोड़िए, ये जो इसमें वैल्यू दी है पहले इसको जोड़ना है, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना है, अरे भाई 10 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, फिर क्या आएगा आपका, 10 आएगा, आई बस में, लेकिन 11 जोड़े तो 10 आया, 11 जोड़े जब हम, जब इसको जोड़े 11 जोड़े कितना है, 10 आया। अभी तो 1 लास्ट में कैरी बचा है, तो जब कैरी जोड़े इसमें, जब इसमें कैरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, अरे भाई जब इसको जोड़ेंगे, कैरी जोड़ेंगे, ये आपका 10, इसको जोड़े तो कितना आया, 10 आया, जब कैरी जोड़े तो कितना आया, 10, ये आपका 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 आया, अभी एक 1। अब देखिए इसमें अब दो नंबर है, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये 1 आपका, ये सम हो गया, ये सम हो गया, और ये कैरी हो गया, ये कैरी चला गया, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैरी 1, ये आपका कैरी 1 हो गया, ठीक है, ये वाला, ये कैरी 1 चला गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, फिर क्या करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे 0 0 0, ये सब 0 जोड़ेंगे तो कितना आया, 0 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे, 0 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 1 आएगा, सभी 0 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब फिर जब इसमें जोड़ेंगे 1, जब वैल्यू आई इन चारों को जोड़ने के बाद, जब क्या आया, 1 आया। अब फिर जब उसमें कैरी जोड़ेंगे, दैट मीन्स 1 और 1 1 1 कितना आया, 10 10 आया ना, 1 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो ये आपका सम हो गया, और ये कैरी चला गया, ठीक है, ये कैरी हो गया। फिर कैरी क्या आया, 1 आया, कैरी 1 आया। अब फिर देखिए फिर इसको जोड़ेंगे, 1+1 1+1 जोड़े कितना आया, 10 आया, फिर 1 जोड़े, मीन्स 1+1 जोड़े, जब हम 1+1 जो जोड़े, 1+1 जोड़े कितना आया, 10 आया। अब फिर इसमें जोड़ेंगे 1, दैट मीन्स 1 जोड़े कितना आया, 1 1 आया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये वैल्यू आई, अभी इसमें कैरी बचा है, इसमें ये वाला कैरी बचा है, तो ये कैरी जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, दैट मीन्स 1+1 वो 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। फिर ये 1 इसमें जोड़ेंगे, इसमें जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, दैट मीन्स ये आपका कितना सम हो गया, ये आपका सम चलाया, और ये जो कैरी आया 10 आएगा, ठीक है। तो 10 भी यहाँ आता है, यहाँ पर 10 है, तो 10 जब जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे कितना, 10, ये पहले कैरी आपका, ये 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 11 आया, ठीक है, 11 जब जोड़े तो ये आपकी जो टोटल सम आया है, दैट मीन्स टोटल रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसमें ये वाला कैरी या सम हो गया, ये आपका सम आ गया, ये इसका सम, ये, और ये आपका कैरी चला गया, ये क्या है, कैरी, ठीक है, ये कैरी हो गया, तो ये आपका आ गया कैरी 1, ठीक है, ये, और ये 1 हो गया। अब देखिए 11 जोड़े, अब इसमें देखिए 1+1 जोड़ेंगे, ये तो 0 ही है, तो 1+1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10 जोड़ेंगे
तो 10 आ गया इसका, इन दोनों का योग कितना गया 10। आई वसंत में इसको रेड से लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका कैरी। तो इन दोनों को जोड़े कितना आया 10। इन दोनों को जोड़े तो 10 आया। ये अब इसमें एक कैरी जोड़ना है, तो इसमें एक कैरी जोड़ेंगे तो ये 11 आई वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू ये आपकी कैरी हो जाएगी और ये आपका सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो ये 1 आ गया सम, इसको जब जोड़े इसको तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें एक कैरी, कैरी यहाँ पर आ गया इसका, ये कैरी हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसको जोड़ना सेम टू सेम उसी तरीके से, 11 कितना आया 10 आया, फिर उसमें ये 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा वैल्यू। तो भाई अरे भाई इसको 1 प्लस 1 जोड़े तो 10 आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो फिर ये 11 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 आएगी वैल्यू, जो इसका सम आएगा 1 आएगा। अब फिर एक कैरी हो जाएगा, तो कैरी फिर एक आ गया। ठीक है, ये कैरी हो गया, आई बसंत में। तो फिर देखिए फिर 11 जोड़े तो 10 आया, फिर एक कैरी, दैट मीन्स 11। अरे भाई इसको जोड़े 11, दैट मीन्स 10। इसमें कैरी जोड़ेंगे, वाली कैरी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो ये होगा 11। दैट मीन्स अब इसको देखिए, अब ये वाली जो वैल्यू होगी ये सम हो जाएगी। ठीक है, ये सम वैल्यू हो जाएगी और ये कैरी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कैरी हो जाएगी। तो देखिए अब इसको जोड़े तो ये आपका आ गया सम वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कैरी, ये वाली कैरी वैल्यू है, तो इसके बाद कोई संख्या होती, कोई नंबर अगर होता तो उसमें जोड़ता ये कैरी, बट कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाला जी कैरी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका कैरी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल जो रिजल्ट हुआ, तो कैरी को ऐड करके बोलेंगे उसमें। ठीक है, लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 0 0 1 0, ये आपका टोटल फाइनल रिजल्ट हुआ। ठीक है, इन चारों का जो है एडिशन, ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 1 1 1 1 1 0 0 1 0, ये आपका टोटल रिजल्ट हुआ। ठीक है, इसका तो ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, और यदि आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो के रसनल दिल्ली एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मिलेगा आपको, ज्वाइन कीजिएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिए। यदि आपको स्पीड, बोलने की स्पीड ज़्यादा लगे, स्पीड ज़्यादा हो बोलने की, तो आप प्लेबैक स्पीड में जाइए और ऊपर जहाँ पर लिखा 0.75 या स्पीड ऊपर जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर जाकर प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड, या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ बाइनरी एडिशन, ये बाइनरी एडिशन खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, थैंक यू।